लापरवाह अधिकारियों को लाइन पर लाने के लिए सरकार चाहे कितनी भी कोशिशें कर ले, मगर जनता को परेशान करने की तो मानो कुछ अधिकारियों ने कसम खा रखी हो। आज गोहाना में सीएम फ्लाइंग ने पटवार खाने में छापेमारी की और मौके पर 9 पटवारियों में से 6 पटवारी ड्यूटी से नदारद मिले। सीएम फ्लाइंग को मौके पर पटवारियों के कमरे पर ताले लटके हुए मिले। वहीं पटवार खाना में पटवारियों द्वारा समय पर ड्यूटी पर नहीं आने को लेकर कार्रवाई के लिए विभाग को शिकायत भेजी गई है। वहीं मौके पर मौजूद नायाब तहसीलदार से हमारे संवाददाता सुनील जिंदल ने खास बातचीत की, तो उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए। गोहाना तहसील के पटवार घर पे जो है आज सोनीपत की सीएम फ्लाइंग रेड मारी है और अभी तक जो है ये पता लगा कि 9 पटवारी में से जो है 6 पटवारी जो है नदारद मिले हैं। अभी तक कमरे बंद है, तस्वीरें देख सकते हैं मेरे पीछे। अभी तक जो है 9 में से जो है 6 पटवारी जो है नदारद मिले हैं। फिलहाल कागजात की भी जांच जो है अधिकारियों द्वारा अंदर की जा रही है, आप तस्वीरें दिखाएंगे आपको, वो भी आप देख सकते हैं। सीएम फ्लाइंग की रेड जो है गोहाना के तहसील के जो पटवार घर है उस पर मारी गई है। इनको काफी सूचना मिली थी कि जो पटवारी है वो लेट आ रहे हैं, अधिकारी यहाँ मौजूद है, कागजात की जो है चेकिंग वो जो है की जा रही है, आप तस्वीरें देख रहे हैं। लगातार सीएम फ्लाइंग को सूचना मिल रही थी कि जो पटवार घर है इसमें जो आने वाले पटवारी हैं वो लेट आ रहे हैं या फिर छुट्टी पर रहते हैं, ज्यादातर दूसरे कर्मचारी जो है काम करते हैं। इसी बात को लेकर जो है सीएम फ्लाइंग सोनीपत की टीम ने जो है यहाँ पर रेड की है। यहाँ अभी तक जो है सामने ये आया कि 9 पटवारी में से जो है 6 पटवारी नदारद हैं, उनके कमरों पर ताले तक लगे हुए हैं। अधिकारी जो है यहाँ पहुंचकर उनके कागजात की भी जांच की जा रही है, उसके बाद ही पता लग पाएगा कि क्या चीज जो है सामने आई है। हालांकि लोगों को जरूर यहाँ परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो जिनके काम करवाने के लिए जो लोग यहाँ पहुँच रहे थे पटवार खाने में, उनके काम नहीं हो पा रहे थे। काफ़ी शिकायतें जो है अधिकारियों को मिल रही थी कि पटवारी उनके काम नहीं कर रहे हैं, लेट आ रहे हैं, दूसरे कर्मचारी उनके स्थान पर मिलते हैं। तो इसी बात को लेकर आज जो है सीएम फ्लाइंग सोनीपत की टीम ने जो है गोहाना तहसील का जो पटवार घर है उस पर जो है रेड की है और यहाँ पहुँचकर जो है अभी तक जाँच में पाया कि 9 में से जो है 6 कर्मचारी जो है नदारद मिले हैं। ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी मौजूद है, उनसे ही बात कर लेते हैं। सर, जिस तरह से आज रेड की है तो क्या मिला है अभी तक की जांच में? अभी तक की जांच में मिला है कि भाई यहाँ 9 पटवारी बैठते हैं खासा स्कूल के पास पटवार खाने में, जिनमें से 3 पटवारी हाजिर हैं। 6 पटवारी में से जिनसे संपर्क हुआ है उन्होंने बताया कि सर हम गिरदावरी पे आए हुए हैं, 5 तारीख तक खरीफ की फसल की गिरदावरी चल रही है और वो खरीफ की फसल की गिरदावरी के लिए खेतों में गए हुए हैं ताकि सुबह सुबह ठंडे ठंडे में गिरदावरी कर पाए। तो क्या अभी तक कितने कर्मचारी ड्यूटी पे नहीं मिले? 9 में से 6 कर्मचारी यहाँ ऑफिस में हाजिर नहीं है मौके पर। तीन कर्मचारी, 3 पटवारी हमारे यहाँ मौके पर बैठे हैं जो कि ऑफिस का काम कर रहे हैं। तो और भी कागजात चेक किए जा रहे हैं? हाँ, कागजात सीएम फ्लाइंग अपने हिसाब से चेक कर रहे हैं, जो भी रोजनामचा वगैरह है भाई या और कोई रिकॉर्ड है जो भी उनको चाहिए रिकॉर्ड प्रोवाइड करवा दिया गया है और वो अपने हिसाब से रिकॉर्ड की तस्दीक कर रहे हैं। जो सीएम फ्लाइंग की सर टीम कहाँ से पहुंची थी, सोनीपत या ये करनाल और सोनीपत की ज्वाइंट टीम है और इन्होंने आज सुबह सुबह रेड की है। सर, जैसे गिरदावरी चल रही है तो ये सरकार की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं और जो लोग कार्यालय में आ रहे हैं उनके कामों का क्या रहेगा? जैसे पटवारी सुबह सुबह पहुंच रहे हैं, कुछ पटवारी सुबह सुबह आके बैठ के लोगों का कार्य करके गिरदावरी के लिए जाते हैं, जबकि कुछों का ऐसा है कि वो सुबह सुबह सीधे गिरदावरी के लिए चले जाते हैं और आके फिर वो पब्लिक का काम करते हैं दोपहर में 12-1 बजे के बाद। ठीक है। फ्लाइंग की टीम जो है अभी यहाँ पर जो है जांच कर रही है, जांच के बाद ही जो है पता लग पाएगा कि यहाँ जो है कितने कर्मचारी जो है। वही स्थानीय लोगों के आरोपों पर गोहाना के नायब तहसीलदार प्रमोद कुमार ने कहा कि उनके पास किसी भी पटवारी की पैसे लेकर काम करने की शिकायत नहीं आई है, अगर किसी की शिकायत आती है तो उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। वहीं सीएम फ्लाइंग में डीएसपी अजीत ने कहा कि लोगों की शिकायतें मिल रही थी जिसके चलते पानीपत और सोनीपत जिले के उनकी टीम द्वारा पटवार खाने पर कार्रवाई की गई है। करनाल रेंज के करनाल, पानीपत व सोनीपत में आज मुख्यमंत्री मंत्रिस्तर द्वारा चेकिंग की गई है जिसमें पटवार खानों की शिकायतें मिल रही थी कि शिकायतें लंबित हैं, लोगों के काम लंबित हैं, फिर भी पटवारी समय पर नहीं आ रहे हैं और गिरदावरी का बहाना करके चले जाते हैं। शिकायतें सही पाई गई हैं
अभी रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली कार्रवाई आगे की जाएगी। वही मौके पर गोहाना पटवार खाने में अपने काम से आए स्थानीय लोगों ने बताया कि यहां समय पर पटवारी नहीं मिलते, जिसके चलते उनको बार बार यहां चक्कर लगाने पड़ते हैं। लोगों ने कहा कि पटवारी काम करने के पैसे लेते हैं, उसके बावजूद भी समय पर उनके काम नहीं होते। हाँ बंद जी, काम नहीं कर जी, पर आऊंगे जब कहें करेंगे। इमनू बेरान जी जा रहे हैं तहसील का नाम ले, तहसील में गए हैं, हमने तो ना बेरा तहसील में के करा हूँ। इमनू का 10 मिनट बैठो जी, आध घंटा हो गया बैठे हैं बातों में, फिर मन नू बेरा नहीं वो दोहरे खड़िया रहो चाहे आदमी अभी हो पटवारी। हाँ 2-3 दिन हो गए जी, कुआं बंद मिले हैं, कुआं नू का है पाओ है बड़े तहसील में कुछ काम गए हैं कि मैं मिलते नहीं। क्या काम करना है? प्लाट बेचना है जी, अंतकाल और फर्ज कटवा लिया था, इन कागज बनाने में मेरा इंतकाल नहीं हो रहा जी। 19/12/2022 को रजिस्ट्री कराई थी लेकिन आज तक मेरा इंतकाल नहीं बना। क्या 81 नंबर है रजिस्ट्री नंबर, लेकिन वहाँ मैंने चंडीगढ़ भी शिकायत दे ली, डीसी को भी अप्लीकेशन दे ली, बड़े तहसीलदार को भी अप्लीकेशन दे ली, SDM को भी दे ली, छोटे तहसीलदार को भी दे ली, लेकिन मेरा इंतकाल नहीं बना है। बार बार चक्कर लगा रहे हैं, तहसील की भी चक्कर लग रही है, यहाँ भी चक्कर लगा रहे हैं लेकिन कोई काम नहीं हो रहा। बता दें कि मौके पर मौजूद नायब तहसीलदार प्रमोद ने भी पटवार खाने में आए लोगों से उनकी परेशानियों को जाना और कहा कि रेड के दौरान 9 पटवारियों में से 6 गैर हाजिर मिले। विभाग की तरफ से उन गैर हाजिर होने वाले पटवारियों पर कार्रवाई के लिए नोटिस भेजा जाएगा। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।